नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं सायरा ब्लॉक के वार्ड संख्या 6 का चुनावी माहौल। कौन लड़ रहे हैं चुनाव और कौन किसका दे रहा है साथ, कैसे किया जा रहा है चुनावी प्रचार, देखिए इस वीडियो में। वार्ड संख्या 6 सामान्य महिला सीट है, लेकिन इलाका पूरा एसटी बाहुल्य है। इस पंचायत समिति वार्ड क्षेत्र में विस्मा, कड़ेच और चित्रावास सहित नवगठित कुंडलावास ग्राम पंचायत के वार्ड शामिल है। यहाँ कांग्रेस की टिकट पर कुंडला की संकरी कुमारी चुनाव लड़ रही है व भाजपा ने यहाँ नाजुबाई को टिकट दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष के लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी है भूरी बाई, वो भी अपनी टीम के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। तस्वीरों में भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। ये सब यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए रवाना ही हो रहे थे कि हमारी टीम यहाँ पहुंच गई और कैमरे के सामने चर्चा चालू हो गई। यहाँ भाजपा प्रत्याशी नाजुबाई से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की टीम से मिलने के बाद हमारी टीम पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी संकरी कुमारी से मिलने के लिए। संकरी बाई के पक्ष में वार्ड क्षेत्र में बैठक आयोजित की जा रही थी। कई लोग यहां थे जिनसे हमारे कैमरामैन ने चुनाव को लेकर चर्चा की, आप भी सुनिए। वार्ड संख्या 6 से कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव? पार्टी से सैकरी कुमारी, निर्मल व भूरीबाई। सैकरी बाई का रहस्य छह नंबर सैकरी बाई और निर्दल है मोहन जी और प्रकाश बीजेपी। पंचायत समिति चुनाव तो हमारा वो नाजुबाई है। पंचायत समिति सदस्य नाजुबाई का रहस्य। नाजुबाई लड़ रही है बीजेपी से और कांग्रेस से संकरी बाई और एक निर्दलीय जो भूरी बाई है जो कड़ेस की है। अच्छा, ये मोहन जी है निर्दल में। संकरी बाई संकरी कुमारी लड़ रही है कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से नाजुबाई लड़ रही है। निर्दलीय है भूरी बाई। संकरी कुमारी गरसिया और नाजुबाई गरसिया और भूरी बाई। किसकी चल रही है हवा? क्या बता, मैं मर कौन है कहीं ने कहे जे आप हूं जानो कौन ने कहे जे ए रात वाला देखो ना वो हाल आप सी दे मु मर कोई ने जानो। कांग्रेस जीती शंकरी बाई। हमारी आवाज तो नाजुबाई की चल रही है, बीजेपी की चल रही है। अब अभी कांग्रेस की चल रही है ज्यादा। अब पंचायत समिति सदस्य से लड़ रहे, मनोहर जी लड़ रहे हैं। 80% वार्ड सेवा चल रही है। हवा के अच्छा व्यक्ति चल रही है प्रकाश जी एक शंकरी बाई निशान है उनका है फूला का। किसका बनेगा बोर्ड? कांग्रेस का। बीजेपी का बनेगा बोर्ड? कांग्रेस का बनेगा बोर्ड। कांग्रेस का बनेगा? बीजेपी का बनेगा सर, निश्चित रूप से यहाँ पे बीजेपी का बोर्ड बनेगा। अनपढ़ है मालूम नहीं पड़ेगा, हाथ देखे वोट दे देगा। वार्ड क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों की है जरूरत? हेडपम्प, रोड, मकान। रोड का समस्या है कड़ेस में, फीट फीट खाड़ा पड़ी है। काम तो हर बाकी है भाई, पानी नहीं है हमारे और कोई मैंने खेन कोई पाँच पाँच किलोमीटर ऊपर बे किलोमीटर ऊपर पानी लेवा जाए। और 35 साल एक रे एक सरपंच है बुरे बुझ जीते वो पण सोन हो रहे बस उन जीते उनार घर गृहस्थी कम कह रहे बीजर वास्ते कोई नहीं कहता है। कोई बाकी नहीं है, सब समस्या है वो हो गई है, थोड़ी थोड़ी बाकी है, कुछ रोड भी बाकी है, पानी की समस्या बाकी है। नहीं तो हेडपम्प में पानी नहीं है और ट्यूबवेल खेने की बात करके सरपंच निकल जाता था, ये 5-6 साल ऐसे ही निकाल दिए। कुछ काम नहीं करवाया उस हेडपम्प खुद बनने हैं और रोड बनवाने हैं, ट्यूबवेल सब कुछ उसको बनवाने और भाजपा वाला ने कुछ काम नहीं करवाया। तो हमारी पंचायत कड़ेस है, कड़ेस में तो कांग्रेस सरपंच है, सब बाकी है। जो मोदी जी ने जो केंद्र सरकारी योजना है वो भी हमें हमारे तक पहुँची है, पीएम आवास है और बैंकों में खाते खुलवाए और ये भमाशाह वाले तीनों ने बंद कर दी थी और केंद्र सरकार की योजना हमारे तक पहुंची है बस। जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी कौन है? हमारे वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद के उम्मीदवार भाई मुकुल जी मेहता है। जिला परिषद तो मुकुल मेहता जी। हमारे यहाँ से तो मुकुल मेहता जी और यहाँ तो गौरव सिंह गौरव जी वो श्रीमाल। वोट किसके नाम पर मांगे जा रहे हैं? केंद्र में मोदी जी के नाम पर, अपने यहाँ पंचायत समिति में गुलाब जी भाई सब के नेतृत्व में जो प्रताप जी ने
जो पिछली सरकार ने जो 70 साल में नहीं कर पाई वो 5 साल में TSP करके युवा में एक उमंग और लहर है। इसीलिए यहाँ पर पंचायत समिति भी हमारे काफ़ी कुछ एक्टिव उम्मीदवार है, उनके आधार पर ही वोट मांग रहे हैं हम। निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी की योजना है उससे निश्चित रूप से लोगों में जोश है, जो उनसे काफ़ी फायदा हुआ। मैं रावच और चित्रावास पंचायत समिति दोनों वार्डों से और सत वार्डों से प्रभारी होने के नाते मैं आपको दावत के साथ मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मनोहर जी भी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में जीत हासिल करेंगे और नाजू भाई भी बहुत अच्छी तरह से चित्रावास वार्ड नंबर 6 से जीत हासिल करेंगे, ये अपना दावा है। गोगुंदा के पूर्व उप प्रधान व चित्रावास के पूर्व सरपंच सवाराम घमेती भी पुरजोर तरीके से संकरी कुमारी को चुनाव जिताने के लिए प्रयासरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुआवतों का गुड़ा के लैंप्स के अध्यक्ष सवाराम घमेती। पार्टी के नाम से ही मांगे जा रहे हैं क्योंकि पार्टी के लोगों ने पूर्व मंत्री हैं मांगीलाल जी गरासिया, लाल सिंह जी जाला जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस एरिया में अच्छा काम किया और मांगीलाल जी पिछले 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें कई खोली है, राजीव गांधी स्कूलें और सड़कों से जोड़ा है, इसलिए मांगीलाल जी और पार्टी के नाम से मांगीलाल जी और लाल सिंह जी जाला और उनके पार्टी के नाम से मांगे जा। अब एक नज़र डालते हैं प्रत्याशियों के मजबूत सहयोग पर। वार्ड संख्या 8 में 4 ग्राम पंचायतों के वार्ड शामिल है, इन चारों ग्राम पंचायतों के सरपंचों का सहयोग किसे मिलेगा यह भी महत्वपूर्ण है। कुंडलावास, कड़ेच, चित्रावास व विस्मा में कांग्रेस समर्थित सरपंच है, यानी चारों सरपंच कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी को ST समुदाय के भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है। चुनाव जिताने की असली चाबी जनता के हाथ में है, जनता किसे चुनाव जिताएगी ये आगामी 8 दिसंबर को देखेंगे। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे के वार्ड में, बने रहिए डेली राजस्थान के साथ। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।